फांसी पर लटकने के चंद सेकंड में किसी की भी मौत हो जाती है, लेकिन इतिहास में एक मामला ऐसा भी रहा है जहां एक दोषी फांसी पर लटकने के 2 घंटे बाद तक जिंदा रहा था। हिरंगा और बिल्ला की जोड़ी थी। कहानी 37 साल पुरानी है। दोनों ने 1978 में एक आर्मी अफसर के बच्चे गीता और संजय को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया था और फिर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, गीता के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया गया था। उस समय दोनों की फांसी की मांग वैसे ही उठी थी जैसे देश में निर्भया के दोषियों की उठी थी। 18 सितंबर 1978 को दोनों को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। लेकिन फांसी के 2 घंटे के बाद भी रंगा के प्राण नहीं निकले, जिसके बाद रंगा के फंदे को नीचे से खींचा गया, तब उसकी मौत हुई। मेडिकल साइंस का कहना है कि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के शरीर का वजन कम हो या फिर वो सांस रोकने में सक्षम हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।